हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज जो कि टेस्ट नंबर आपका 11 है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने टेस्ट नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 11 जो कि विजन आईएएस आपका पीटी के लिए यानी कि प्रीलिम्स के लिए आपका 2024 के लिए जो भी रिलीज किया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके, और इसका पीडीएफ भी कहाँ से आपको डाउनलोड करना है उसको भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विथ रिफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, कि मीन्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अलॉट सिंबल्स टू पार्टीज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इम्पावर करता है कि इसको आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है कि क्या करेगा, वो आपका जो है वो सिंबल्स को अलॉट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये कौन आपका जो है इम्पावर करता है, वो है इलेक्शन सिंबल्स आर्डर 1968। कौन आपका जो है इलेक्शन सिंबल आर्डर, राइट, सिंबल आर्डर जो है आपका 1968, सिंपल आर्डर आपका 1968, वो आपका क्या करता है इम्पावर करता है कि इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इम्पावर करता है कि वो क्या करेंगे आपका जो है सिंबल को पार्टीज का वो डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आपका इन केस ऑफ ए स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टीज, कि मीन्स अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होता है यानी कि दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको क्या कह रहा है कि द हाई कोर्ट डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट रिलेटेड टू पार्टी सिंबल्स, कि उसके सिंबल के बारे में आपका जो है पार्टी का जो सिंबल होगा उसके बारे में कौन डिसाइड करेगा, आपका कह रहा है कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो यह भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये जो है डिसाइड करता है जो पॉलिटिकल आपका किसी भी पार्टी का सिंबल होता है वो ओनली आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको क्या करता है इसको डिसाइड करता है। तो इस प्रकार से सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कह रहा है वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द राम प्रसाद बिस्मिल, राइट, कि मीन्स राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है, कह रहा है ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राइट, यानी कि जो आपका एच आर ए था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके क्या थे फाउंडिंग मेंबर थे। फाउंडिंग मेंबर्स की मीन्स जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, राइट, एच आर ए का जब फॉर्मेशन हुआ था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उसके समय ही जो है राम प्रसाद बिस्मिल इसके मेंबर थे। तो ये तो सही है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है ही स्टार्टेड ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मातृवेदी, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स उन्होंने क्या किया था एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था मातृदेवी मातृवेदी। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है ही रोट ए फेमस पोयम मैनपुरी की प्रतिज्ञा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि उन्होंने जो है एक आपका फेमस पोयम लिखे थे मैनपुरी की प्रतिज्ञा। तो इस प्रकार से जो है आपको तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रीजन्स, राइट, इन हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशनड रीजन्स मेरिस्टिका स्वैम्प्स आर फाउंड, राइट, कि मीन्स इसमें से सबसे जो है कौन कौन से स्टेटमेंट आपका सही है जहां पर आपका मेरिस्टिका स्वैम्प्स फाउंड होते हैं यानी कि पाए जाते हैं। तो ये आप क्या कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से आपका स्टेटमेंट सही है जिसमें जो है आपका मेरिस्टिका स्वैम्प्स पाए जाते हैं। तो स्वैम्प्स मीन्स क्या होता है आपका दलदल, राइट, दलदल होता है कि दलदली इलाका जहां पर भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्वैम्प्स बोलते हैं। और मेरिस्टिका मीन्स की जगह का नाम है जो आपका जो है मेरिस्टिका जो फैमिली होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्वैम्प्स पाए जाते हैं उसको बोला जाता है मेरिस्टिका स्वैम्प्स बोला जाता है, राइट। और वही अगर बात की जाए कि मीन्स मेरिस्टिका जो स्वैम्प्स है दलदल है यह किस टाइप का जो है आपका स्वैम्प आपको देखने को मिलता है, राइट, तो ये आपका फ्रेश वाटर स्वैम्प है। ये क्या है आपका फ्रेश वाटर स्वैम्प है, फ्रेश वाटर स्वैम्प है आपका जो है ये देखने को मिलता है आपका, राइट। तो इस प्रकार से आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन की, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कहाँ पर पाया जाता है तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपका भारत है, राइट, भारत है, तो भारत में आपका क्या है इस साइड आपका है वेस्टर्न घाट, कहाँ पर आपका इस साइड आपका है वेस्टर्न घाट और ये आपका अंडमान है और ये निकोबार है, राइट। तो वेस्टर्न घाट पर भी आपका जो है ये मिस्टिका आपका जो है स्वयं पाया जाता है और अंडमान एंड निकोबार में भी पाया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट एंड सेकंड दो स्टेटमेंट सही है, तो ओनली टू यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपका कह रहा है
यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि कुछ क्राफ्ट्स दिए गए हैं और ये कह रहा है स्टेट की, मीन्स जो है कौन कौन से स्टेट में आपका जो है ये पाया जाता है। हाउ मेनी ऑफ द एबो पेयर्स आर करेक्टली मैच, की मीन्स इसमें से कौन सा जो है पेयर्स आपका करेक्टली मैच है। राइट, तो देखिए फर्स्ट आपका क्राफ्ट कह रहा है कि जरदोजी, जरदोजी आपका क्या होता है, इसका मीन्स ये आपका क्या है, जरदोजी जो है आपका वह पर्सियन वर्ड है। पर्सियन वर्ड का इसका मीनिंग क्या होता है आपका, गोल्ड इसका मीनिंग होता है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये आपका भोपाल में पाया जाता है, भोपाल, दिल्ली, दिल्ली में भी पाया जाता है आपका, और हैदराबाद, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी पाया जाता है। राइट, तो उत्तर प्रदेश दिया है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। राइट, और दूसरा कह रहा है आपका कमदानी, कमदानी जो है आपका ये बोल रहा है कि उड़ीसा में पाया जाता है। राइट, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका जो है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये लखनऊ में पाया जाता है, लखनऊ में जो है ये देखने को मिलता है आपका, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आपका गोटापट्टी। राइट, गोटापट्टी कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में बात कर रहा है। गोटापट्टी आपका कहाँ पर पाया जाता है, गोटापट्टी तो आपका राजस्थान में ही पाया जाता है, तो इस प्रकार से ये आपका सही है। और टिल्ला कह रहा है, टिल्ला कहाँ पर पाया जाता है आपका, ये दिया है वेस्ट बंगाल, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में नहीं आपका, बल्कि कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। राइट, तो इस प्रकार से आपका दो ही स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी की, मीन्स ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन, यानी कि एफसी जो होता है आपका फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, की मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, ये आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन विथ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। राइट, कि मीन्स एक इसका चेयरमैन होंगे और 4 अदर मेंबर्स होंगे। राइट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो ये अपॉइंट आपका प्रेसिडेंट है जो है ये अपॉइंट करते हैं, तो सही है। दूसरा कह रहा है द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। राइट, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करते हैं, बल्कि कौन, पार्लियामेंट आपका डिटरमाइन करता है, कौन आपका, पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करता है। और इस किस आर्टिकल में आपका मेंशन है, 280 क्लॉज 2। राइट, इसमें आपका यह मेंशन है, और यह जो है आपका फर्स्ट वाले का जो है ये आपका आर्टिकल कौन सा है, तो 280 क्लॉज 1 है। राइट, 280 क्लॉज 1 में यह है आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन जो है वो चेयरमैन होगा और 4 उसके अदर मेंबर्स होंगे, और 280 क्लॉज 2 जो है वो डिटरमाइन करता है कि जो पार्लियामेंट है वो डिटरमाइन करेंगी क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। राइट, नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है द कमीशन रिकमेंड्स मेजर्स रिलेटेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। राइट, तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट आप तो आपको सही है, तो इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर कि 2 स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है विथ रिफरेंस टू द इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका न्यूज में चल रहा है, तो इसलिए यह क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिल रहा है, तो पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो इसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI इज ए ग्रुप ऑफ 25 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ विच इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर। राइट, तो ये आपका सही है कि मीन्स जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI है आपका, उसमें जो है 25 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलता है, जिसमें से आपका इंडिया भी एक मेंबर है, सही है। दूसरा कह रहा है हिरोशिमा AI, जो हिरोशिमा AI प्रोसेस है आपका, वो एनुअल समिट है और होस्टेड होता है किसके, G20 कंट्रीज के द्वारा, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो हिरोशिमा AI प्रोसेस है वो आपका किसके द्वारा एनुअल समिट है जो होस्टेड किया जाता है, वो G7 के द्वारा जो है ये समिट जो है ये किया जाता है, तो इस प्रकार से सेकेंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर की ओनली 1 राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट रिगार्डिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि CSS जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, उसमें से पूछ रहा है आपका विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कि मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका कि दीज आर एक्सटेंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 282 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, और सेकंड कह रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ BK चतुर्वेदी कमेटी CSS वेयर्स, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
were restructured to avoid overlapping of scheme. राइट तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीके चतुर्वेदी कमेटी की, मीन्स जो बीके चतुर्वेदी कमेटी बनाई गई थी, जो क्या किए आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसको रीस्ट्रक्चर्ड किए हैं, कि मीन्स उसको जो है रीस्ट्रक्चर्ड किए हैं क्या करने के लिए, टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ द स्कीम की, मीन्स कोई भी जो है स्कीम जो है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए. तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट सही है. थर्ड कह रहा है आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल द बजट्स एलोकेटेड फॉर ए स्कीम इज डायरेक्टली रिलीज्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फंड ऑफ स्टेट. राइट तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये कह रहा है कि जो बजट होता है वो किसके द्वारा डायरेक्टली रिलीज होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट की, मीन्स उसी स्टेट को ये रिलीज किया जाता है. तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो स्कीम होता है वो डायरेक्ट स्कीम को ही रिलीज किया जाता है, ना कि उस स्टेट को. राइट तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर. राइट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राइट की स्टेटमेंट को आप पता कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये करेक्ट है, इसके बारे में बात कर रहा है. राइट तो फर्स्ट कह रहा है आपका द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कीप्स चेंजिंग बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द जनरल इलेक्शंस. राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज होती हैं वो चेंजिंग होती रहते हैं, किसके द्वारा जो है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द जनरल इलेक्शन की, मीन्स जनरल इलेक्शन में जिस प्रकार से उनका जो है परफॉर्मेंस होता है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस देयर वेयर ओनली थ्री नेशनल पार्टीज. राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जो फर्स्ट आपका जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें कितने आपका जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन आपका कब हुआ था? 1952 में हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन. राइट तो इसमें कह रहा है आपका कि तीन ही आपके जो है नेशनल पार्टीज थी, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि इसमें आपका नेशनल पार्टी की बात की जाए तो उसमें आपका 14 जो है वो आपके नेशनल पार्टीज थे और 39 आपका स्टेट पार्टीज थे. तो इस प्रकार से जो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड कह रहा है एवरी नेशनल पार्टी इज एलोकेटेड ए सिंबल एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर इट्स यूज थ्रू आउट द कंट्री. राइट तो थर्ड भी आपका सही है. इस प्रकार से फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राइट कि मीन कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि मीन्स इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके जो है ये करेक्ट हैं, इसके बारे में बात कर रहा है. राइट तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ए डिफॉल्ट बेल इज ग्रांटेड बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फॉर नॉट कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑन टाइम. राइट कि मीन्स एक डिफॉल्ट बेल कभी किसी को दिया जाता है तो वो किस आधार पर दिया जाता है, कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो टाइम पर क्या कर सकता है, कि मीन्स टाइम पर वो अपना क्या कर रहा है इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो उस पर्सन को क्या कर दिया जाता है, डिफॉल्ट बेल दे दिया जाता है. दूसरा कह रहा है ए मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर एन अक्यूज्ड पर्सन टू बी डिटेंड इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस फॉर 15 डेज. राइट तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो ऑर्डर कर सकता है कि कोई भी अक्यूज पर्सन है जो उसको डिटेंड कर किया जा सकता है कस्टडी में अप टू द 15 डेज. राइट और तीसरा कह रहा है द मजिस्ट्रेट कैन ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 डेज. तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट होता है वो अगर ऑथोराइज करता है तो मैक्सिमम 90 डेज के लिए उस पर्सन को डिटेंड किया जा सकता है. इस प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट एंड सेकंड ओनली सही है. तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके और पूछ रहा है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, कि मीन्स इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया आपका. तो फर्स्ट कह रहा है आपका कि यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो है आपका कह रहा है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है कह रहा है द फर्स्ट कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री इन इंडिया केम इनटू बीइंग इन केरला इन 1975. राइट कि मीन्स जो फर्स्ट आपका क्या देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट आपका पार्टी जो देखने को मिलता है वो कह रहा है कि केरला में देखने को मिलता है आपका 1957 में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है. दूसरा कह रहा है द कांग्रेस पार्टी वॉज द सोल नेशनल पार्टी अंटिल 1977. राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 1977 में भी और इसके पहले भी बहुत सी पार्टियां जो है भारत में एग्जिस्ट करती थी. इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर, कि ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट है.
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स, राइट। ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग में आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है, राइट। फर्स्ट कह रहा है आपका द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स, राइट। तो सही है आपका, मीन्स जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का उसमें ट्रिब्यूनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में इसको जो है अमेंडमेंट करके जो है लाया गया, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, कह रहा है और जो ट्रिब्यूनल है आपका यह कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसके बारे में समझते हैं। तो जो ट्रिब्यूनल्स है आपका यह 42nd अमेंडमेंट आपका जो है 1976 में हुआ था, उसमें इसको ऐड किया गया था, और इसमें एक पार्ट आपका जो है ऐड किया गया था, पार्ट 14A ऐड किया गया था, जिसमें आपको जो है ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 323A डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड 323B डीलिंग विद द ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स ट्रिब्यूनल में आपका दो ही आर्टिकल देखने को मिलता है, एक 323A जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, और 323B जो कि आपका क्या होता है अदर ट्रिब्यूनल, जैसे कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, रिवर ट्रिब्यूनल, राइट, स्टेट ट्रिब्यूनल्स, ये सभी ट्रिब्यूनल्स हमको जो है अदर ट्रिब्यूनल में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इस प्रकार से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, राइट। पॉक्सो एक्ट 2012 जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका द एक्ट डील्स विद द सेक्सुअल ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह जो आपका पॉक्सो एक्ट होता है 2012 का जो आपका चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो बचाता है वह बिलो द एज ऑफ 16 ईयर नहीं बल्कि 18 साल से कम सभी बच्चों को ये एक्ट जो है ये लागू होता है। इस पे अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगता है तो पॉक्सो में आपका जो है वो कंसीडर किया जाएगा, और ये बहुत ही हार्ड इसमें सजा दिया जाता है, राइट। दूसरा आ रहा है आपका स्टेटमेंट, कह रहा है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स टू एक्सपेडाइट द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो एक्ट है ये आपका पॉक्सो एक्ट 2012 ये प्रोवाइड करता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए दिए जाएं ताकि जो है उसको ट्रायल किया जाए और ऑफेंसेज को जो भी ऑफेंसर है उसको कमिटेड कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी जो है सजा दिलाया जाए। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है द एक्ट एम्पावर्स द कमीशन, जो यह एक्ट है आपका पॉक्सो एक्ट 2012 वो कमीशन को क्या कर रहा है आपका एम्पावर कर रहा है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, कि मीन्स जो चाइल्ड राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए एट द नेशनल स्टेट लेवल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, राइट। तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। इस प्रकार से हमको देख रहे हैं कि दो स्टेटमेंट आपका सही है, सेकेंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, कि ओनली टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टसक एंड इज ए लैंडलॉक्ड माउंटेन्स एरिया इन द साउथ काकासस, इट वॉज क्लेम्ड बाई बोथ अजरबैजान एंड आर्मेनिया आफ्टर द फॉल ऑफ द रशियन एम्पायर इन 1917 एंड हैज रिमेंड ए पॉइंट ऑफ टेंशन एवर सिंस, द टेरिटरी इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ ऑयल रिच अजरबैजान बट इट्स इनहेबिटेंट्स आर प्रीडोमिनेंटली एथनिक आर्मेनियंस एंड हैव देयर ओन गवर्नमेंट विच हैज इंजॉयड क्लोज लिंक्स टू द गवर्नमेंट इन नेबरिंग आर्मेनिया बट हैज नॉट बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाई इट और अदर UN, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज बींग डिस्क्राइब्ड इन द अबव गिवन पैसेज, राइट। मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आपके प्लेस हैं जो इस स्टेटमेंट में आपका जो है दिया गया है इसके बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी इसका राइट आंसर है कि नागोर्नो काराबाख जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका जो है करंट से दिया गया है, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो इशू चल रहा था इतने पहले से उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि इन रिलेशन टू हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323 बी, राइट।
इसके पहले हमने देखा है कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमने बात की है, और ट्रिब्यूनल्स के बारे में जो इसके पहले हमने देखा है तो उसमें आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्रिब्यूनल्स है बाद में ऐड किए गए, तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही था कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है इसको ऐड किया गया, तो तब से हम लोगों को जो है ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलता है, राइट। तो ये कह रहा है, और हमने देखा है कि दो ही आर्टिकल्स इसमें मेंशन है, और इस किस पार्ट में है आपका, पार्ट 14A में आपका मेंशन है, जिसके लिए आपका दो आर्टिकल्स है, एक तो आपका है 323A और दूसरा आ जाता है आपका 323B, राइट, 323B, जो कि 323A है आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और 323B जो है आपका वो अदर ट्रिब्यूनल्स है, राइट। तो ये पूछ रहा है आपका कि इसमें से कौन कौन से आपका जो है ये सही है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट। कह रहा है आपका कि इन रिलेशन ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, की मीन कितने मैटर्स में इसमें जो दिया गया है पार्लियामेंट जो है और स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेब्लिश कर सकता है ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323B, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका पूछ रहा है, राइट। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चारों जो मैटर्स यहाँ पर मेंशन है सभी में क्या कर सकता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही ट्रिब्यूनल्स जो है यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से मैटर्स हैं, इंडस्ट्रियल एंड लेबर के लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए, इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और टैक्सेशन के लिए, सभी मैटर्स के लिए जो है ट्रिब्यूनल्स फॉर्मेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल, राइट, यानी कि ISC जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है उसके बारे में पूछ रहा है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट्स इसमें से आपका जो है ये करेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कह रहा है आपका इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ए परमानेंट बॉडी थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मीन्स ये जो आपका इंटर स्टेट काउंसिल है यह अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था आपका जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह आपका 1988 में आपका जो है 1988 में एक कमीशन आया था जिसको बोला जाता है सरकारीय कमीशन, राइट। तो सरकारीय कमीशन आया था और वहीं से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1990 से ये आपका क्या हो गया था इन्फोर्समेंट में आ गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है द होम मिनिस्टर एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, राइट। तो ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो प्राइम जो है होम मिनिस्टर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होते हैं, बल्कि इसके जो है कौन होते हैं चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं आपके कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं आपके कौन से चेयरमैन होते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल होते हैं आपका इंटर स्टेट काउंसिल होता है इसका चेयरमैन कौन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट और आपका कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट्स डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और इन एनी अदर कोर्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट इसमें जो है वो रॉन्ग दिए गए हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्शंस इन इंडिया, राइट, कि मीन्स जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम ए मैक्सिमम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट कह रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम ए मैक्सिमम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये आपका क्या कह रहा है, तो ये आपका किस में मेंशन है आपका, ये आर्टिकल 33 क्लॉज 7 में आपका मेंशन है कि जो आपका एक कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कर सकता है फ्रॉम ए मैक्सिमम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट, कि मीन्स दो कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कर सकता है कंटेस्ट कर सकता है। ये आपका आर्टिकल 33 क्लॉज 7 में आपका मेंशन है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें ये आपका मेंशन है, राइट। और दूसरा कह रहा है आपका सेकंड स्टेटमेंट तो आपका सही है, क्योंकि कह रहा है कि अगर कोई एक पर्सन है, राइट, और वो क्या करता है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपका क्या करता है इलेक्शन लड़ता है और दोनों में जीत जाता है, तो उसको विद इन 14 डेज में आपको क्या करना होगा कि किसी एक से सीट से जो है उसको वैकेंट करना होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा आपका कि जो कैंडिडेट होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो फेल हो जाएगा टू रिजाइन करने के लिए, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स, राइट। तो 17 भी जो है आपका वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। इसमें से पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है।
तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, द नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 26 टू 19 अंडर द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन 26 से 19 कर दिया गया है जो आपका ट्रिब्यूनल्स है 2017 के एक्ट में, फाइनेंस एक्ट में। और दूसरा आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वॉज इस्टेब्लिश्ड एज द फर्स्ट ट्रिब्यूनल इन इंडिया। राइट, तो सेकेंड भी स्टेटमेंट आपका सही है। और थर्ड आपका कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्यों सही है, क्योंकि ये कह रहा है आपको जो फर्स्ट जो आपका ट्रिब्यूनल बना था वह इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बना था, जो कि कब बना था आपका 1941 में आपको देखने को मिलता है, तो तभी इसका फॉर्मेशन हो गया था। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। और थर्ड आपका कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो है थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है द पावर टू मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशंस अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ चेयर पर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स लाइज विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि यह कोई स्टेट है तो इसमें जो आपका ट्रिब्यूनल्स बनाया जाएगा उसके या फिर चेयरमैन हुए या फिर उसके जो मेंबर्स होंगे उसके लिए क्या कह रहा है इसमें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, पॉलिसीज बनाए जाएंगे, वो कंसर्न स्टेट द्वारा ही बनाया जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह सेंटर द्वारा जो है इसके लिए रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज सर्विसेज सब कुछ बनाए जाएंगे। राइट, तो इस प्रकार से जो है बी इज द राइट आंसर, कि ओनली टू इज द राइट आंसर, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, विथ रिफरेंस टू द सेवोट्टम फ्रेमवर्क। राइट, जो सेवोट्टम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। राइट, मीन्स इसमें से जो है आपका जो कोड दिया गया है इसके अकॉर्डिंग बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन असेसमेंट इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा आपका कह रहा है इट वॉज डिजाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज इन 2006। सेकंड भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है केरला वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द मॉडल। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। राइट, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखिए जो ये स्टेट में जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो आपका हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश है। राइट, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश जो है ये देखने को मिलता है, ना कि केरला। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, राइट, तो इसमें आपका जो है इलेक्शन कमीशन से ये भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डी रजिस्ट्रेशन ए पॉलिटिकल पार्टी इफ इट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ECI है वह डी रजिस्टर यानी कि कैंसिल नहीं करता है किसी भी जो है पार्टी को, यह आपका जो है ये कैंसिल नहीं करता है। तो फर्स्ट आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है सो फार नो पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन डी रिकॉग्नाइज्ड। राइट, कि मीन्स जो कह रहा है दूसरा, ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक कह रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां जो है डी रिकॉग्नाइज किया गया है आपका, जैसे कि आपका जो है एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका तृणमूल कांग्रेस जो है आपका, और जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये सब चीज़ें जो है आपका डी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, कि नाइदर वन नार टू। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। राइट, यानी कि जो ED होता है आपका वह इन इंडिया प्लेज ए रोल इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। राइट, कि मैं जो ED होते हैं आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। राइट, और ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमको पता है कि दिल्ली के जो आपके CM है, राइट, दिल्ली के CM है जो आपके, राइट, NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है आपका, इसके जो CM है इनको अभी क्या हो गया है, जेल हो गया है। और क्यों जेल हो गया, क्योंकि ED ने ही इनको जो है कई बार समन दिया था, जिसकी वजह से इनको जो है जेल जाना पड़ा, जो है इनका वेरिफिकेशन ना होने के कारण। राइट, तो इसलिए जो है ये आपको क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बोलो, कि मीन्स इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है। फर्स्ट कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फर्स्ट भी सही है। दूसरा कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974,
सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, थर्ड भी सही है। फोर्थ कह रहा है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि जो फेमा होता है आपका 1999, ये फोर्थ भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो डी इसका राइट आंसर। राइट, तो इस प्रकार से हमने जो है कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 20 क्वेश्चन हमने जो है इसको सॉल्व कर लिए हैं। राइट, तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करते हैं। और इसका पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर आप जो है इस पूरे टेस्ट सीरीज को, यही बस टेस्ट सीरीज नहीं, आपका जो विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है आपका टेस्ट नंबर 1 से लेकर 26 तक, और जो भी आपके जो है सीसेट के पेपर्स हो रहे हैं वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपका जो है पीटी 365 आपका रिलीज किया जा रहा है उसको भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़कर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज आने वाली होंगी वह आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।